महाभारत युद्ध में कौरवों और पांडवों की सेना को मिलाकर कुल 50 लाख सैनिकों ने इस युद्ध में भाग लिया था। लेकिन एक सवाल उठता है कि इतने बड़े मात्रा में सैनिकों के खाने का इंतजाम कौन करता था? दरअसल जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की घोषणा हुई थी, तब भारत के कुछ राज्यों के राजाओं ने कौरवों का साथ दिया तो कुछ ने पांडवों का। लेकिन उस समय के दक्षिण भारत के उडुपी के राजा ने तटस्थ रहने का तय किया था। उन्होंने श्री कृष्ण के आदेश के बाद युद्ध लड़ने के बजाय सभी सैनिकों के खाने का प्रबंधन संभाला था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि हर दिन सैनिकों की एक बड़ी संख्या के मारे जाने के बाद भी उडुपी नरेश द्वारा बनाए खाने न ही बहुत कम पड़ते थे और न ही बहुत ज़्यादा। भोजन का एक दाना भी बर्बाद नहीं होता था। युद्ध के बाद युधिष्ठिर के इस बारे में पूछे जाने पर उडुपी नरेश ने इस रहस्य को बताया था कि श्री कृष्ण हर दिन उबले हुए मूंगफली खाते थे और वो जितनी मूंगफली खाते थे अगले दिन उतने ही हजार सैनिक युद्ध में मारे जाते थे, और इस तरीके से अगले दिन उतने कम सैनिकों का खाना बनाया जाता था और अनाज का एक दाना भी बर्बाद नहीं होता था।